जय हिंद डिफेंस लवर्स। अक्टूबर 2017 में हमने अपने इस डिफेंस स्क्वाड चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी जिसका टाइटल था इंडियन मिलिट्री वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री 2020, और जिसमें हमने इन दोनों देशों की मिलिट्रीज का कंपैरिजन किया था, और ये हमारे इस चैनल की सबसे ज़्यादा देखी गई वीडियो है। तो इस वीडियो को हमने जब बनाया था तो तब से लेकर अभी तक 6 साल बीत चुके हैं, और इन 6 सालों में दोनों ही देशों की मिलिट्रीज ने ग्रोथ करी है। तो चलिए जानते हैं कि इन 6 वर्षों के समय में दोनों देशों के मिलिट्री पावर के बीच जो पहले डिफरेंस था, तो अब क्या वो डिफरेंस कम हो गया है या फिर वो और बढ़ गया है, जानेंगे इस एपिसोड में। तो आपके लिए पेश है भारत वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री कंपैरिजन का ये नया वीडियो, और इस एपिसोड में मिलिट्री पावर्स को कंपेयर करने के लिए हम जो डेटा ले रहे हैं तो वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स और बाकी के कुछ अन्य ओपन सोर्सेस से है। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो दुनिया के सबसे डेंजरस बॉर्डर्स में से एक है, और यहाँ पे जो 15 लाख से अधिक फ्लड लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं, तो उसकी वजह से ये बॉर्डर दुनिया के उन चुनिंदा बॉर्डर्स में से एक है जिसे आप आउटर स्पेस से भी देख सकते हैं। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग के अनुसार भारत की मिलिट्री दुनिया की 4थी सबसे स्ट्रांगेस्ट मिलिट्री है, जबकि स्ट्रेंथ के मामले में पाकिस्तान की मिलिट्री दुनिया में 7वां स्थान रखती है। और अगर आप दोनों देशों की पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दोनों देशों के मिलिट्रीज में सर्व करने वाले पर्सनल की स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है। इंडियन आर्म फोर्सेस में करीब 14,55,550 एक्टिव पर्सनल हैं, जबकि 11,55,000 रिजर्व पर्सनल हैं। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 6,54,000 एक्टिव पर्सनल हैं और 5,50,000 रिजर्व पर्सनल हैं। और संख्या के मामले में भारत दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री है, जबकि पाकिस्तान संख्या के मामले में भी दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग के अनुसार संख्या के मामले में पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो रशिया के मिलिट्री से ज़्यादा बड़ी है। अगर बात करें डिफेंस बजट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भारत का डिफेंस बजट है 5.94 ट्रिलियन रुपीज़, जो कि डॉलर्स में होता है लगभग 74 बिलियन यूएस डॉलर्स। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो वैसे तो पाकिस्तान की ओवरऑल अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, पूरा देश कंगाली की हालत में, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के डिफेंस बजट में कोई कमी देखने को नहीं मिली है, उसमें हर साल बढ़ोतरी ही हुई है। और पाकिस्तान का करंट डिफेंस बजट है 1.8 बिलियन रुपीज़, डॉलर्स में हो गया लगभग 21 बिलियन यूएस डॉलर्स। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग के मुताबिक डिफेंस बजट के मामले में भारत का स्थान 4थे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 29वें नंबर पर है। इन दोनों देशों के मिलिट्रीज में जो टोटल पर्सनल मौजूद हैं, तो उनमें से कितने सर्विस के लिए बिल्कुल फिट हैं, तो इस मामले पर भारत की रैंकिंग है 2 और पाकिस्तान की रैंकिंग है 7, यानी कि इंडियन मिलिट्री के जो ट्रूप्स हैं तो वो सर्विस के लिए ज़्यादा फिट हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर बात करें एयर पावर की, तो भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट हैं 2,210, जबकि पाकिस्तान के पास है 1,413, और इसमें से भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या है 577 और पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या है 363, यानी कि 363। और इसमें से फाइटर एयरक्राफ्ट, डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रेनर्स, स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और एरियल टैंकर्स, तो इन सभी के मामलों में भारत की संख्या पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट से ज़्यादा है। लेकिन अगर बात आएगी हेलीकॉप्टर्स की, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत के पास है 36 अटैक हेलीकॉप्टर्स, जबकि पाकिस्तान के पास है 58 अटैक हेलीकॉप्टर्स, यानी कि अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे। अगर बात करें लैंड पावर की, तो भारत के पास करीब 4,614 टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास है 3,742 टैंक्स। भारत के पास है 1,882 आर्मर्ड व्हीकल्स, पाकिस्तान के पास है 77,771। अगर बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की, तो भारत के पास है 140, लेकिन पाकिस्तान के पास है 1,225। टोड आर्टिलरी के मामले में भारत के पास है 3,311, पाकिस्तान के पास है 3,345। और जबकि मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी के मामले में भारत के पास है 1,500 और पाकिस्तान के पास है 1,838, यानी कि लैंड पावर में पाकिस्तान के पास आर्टिलरी के मामले में भारत से ज़्यादा बढ़त है। और अगर बात करें नेवल पावर की, तो इंडियन मिलिट्री की नेवी की जो स्ट्रेंथ है वह है करीब 295, जबकि पाकिस्तानी नेवी की है 114। भारत के पास अभी करंटली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और दोनों ही ऑपरेशनल हैं, जबकि पाकिस्तानी नेवी के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के पास टोटल 18 सबमरीन्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 9 सबमरीन्स हैं। और भारत के सबमरीन फ्लीट में न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी आती है, जबकि पाकिस्तानी नेवी के पास कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास मिजेट सबमरीन्स हैं, जबकि भारत के पास कोई भी मिजेट सबमरीन्स नहीं है। इसके अलावा भारत के पास करीब 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 12 फ्रिगेट्स हैं, 19 कॉर्वेट्स हैं और 138 पेट्रोल वेसल्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2 डिस्ट्रॉयर, 6 फ्रिगेट, 2 कॉर्वेट और 48 पेट्रोल वेसल्स हैं। वहीं एक तरफ जहां इंडियन नेवी के पास एक भी माइन वॉरफेयर शिप नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास इस तरह की 3 शिप्स हैं।
अगर बात करें एवॉक्स सिस्टम्स की तो भारत के पास टोटल 5 एवॉक्स प्लेटफॉर्म है, जबकि पाकिस्तान के पास 11 एवॉक्स प्लेटफॉर्म है। और अगर बात करें यूएवीज की फ्लीट की तो इस मामले पर पाकिस्तान का भारत के ऊपर एक एडवांटेज है, और वो ये कि पाकिस्तान के पास टर्की के बैरेक्टर अकेंची TB2 और चीन के विंगलोंग 2 जैसे UCAVs हैं, जबकि भारत के पास एक भी UCAV नहीं है। हालांकि हाल ही में इसराइल से हेरन मार्क 2 UAVs को लिया गया है, जिनमें स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन फिलहाल अभी उनको वेपन्स के साथ इक्विप नहीं किया गया है, और वो भी संख्या में केवल 4 ही हैं। बाकी अपनी UCAVs की फ्लीट को बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ ऑलरेडी 31 प्रेडेटर ड्रोन्स की डील पर काम चल रहा है, और भारत अपना खुद का घातक UCAV भी विकसित कर रहा है। तो अगर ओवरऑल संख्या के हिसाब से देखा जाए तो मैन पावर, एयर पावर और नेवल पावर के मामले में भारत पाकिस्तान से आगे, लेकिन लैंड पावर के मामले में पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा बढ़त है। और जबकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग का डेटा ये भी दिखाता है कि साल दर साल जहां एक तरफ इंडियन मिलिट्री की स्ट्रेंथ बिल्कुल स्टेबल रही है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया है, वहीं पाकिस्तान मिलिट्री की स्ट्रेंथ में हर साल ग्रोथ देखी गई है। हालांकि अगर आप उसे भारत से कंपेयर करते हैं तो वो भारत से फिलहाल अभी कमी है। तो ये तो हो गया कंपैरिजन क्वांटिटी के हिसाब से, अब थोड़ा सा क्वालिटी के हिसाब से कंपैरिजन करते हैं। और शुरुआत करते हैं आर्मी से। तो ट्रूप्स की संख्या के मामले में इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी से बड़ी है, और दोनों ही देशों के आर्मी के सोल्जर्स को वॉर का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और चूंकि दोनों देशों के बीच अभी तक 4 युद्ध हुए हैं, 47, 48, 65, 71 और 99, और इन चारों ही युद्धों में इंडियन मिलिट्री ने हमेशा जीत हासिल करी है। तो अगर वॉर एक्सपीरियंस देखा जाए तो दोनों ही सोल्जर्स का काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन युद्ध किसने जीते अगर इस वाले आंकड़े से जाते हैं तो इसमें इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी से आगे है। इसके अलावा अगर बात करें इक्विपमेंट की तो पहले बात करते हैं बैटल टैंक्स की, जो कि संख्या के मामले में इंडियन आर्मी के पास ज़्यादा है, और इंडियन आर्मी T-72, T-90 और अर्जुन मेन बैटल टैंक्स का इस्तेमाल करती है, जबकि पाकिस्तान की आर्मी में अधिकतर संख्या में अल खलीद बैटल टैंक्स, चाइनीज टाइप 59, टाइप 69, टाइप 85 और VT-4 जैसे टैंक्स हैं। हालांकि जो अल खलीद है वो तो टेक्नोलॉजी वाइज इतना सुपीरियर नहीं है, लेकिन जो बाकी के चाइनीज टैंक्स हैं और खासतौर पर VT-4, तो वो पाकिस्तानी आर्मी की इन्वेंट्री का सबसे एडवांस टैंक है। लेकिन फायर पावर के मामले में ये भारत के अर्जुन मेन बैटल टैंक्स और T-90 के सामने नहीं टिकते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के मामले में नंबर्स और फायर पावर दोनों ही तरह से भारत से आगे, क्योंकि भारत के पास अधिकतर संख्या में पुराने BMP-2 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इस क्लास में बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि US मेड M113 और सऊदी अरब मेड अल फहद, जिनमें US हम्बीज के इक्विवेलेंट क्वालिटी और रिलायबिलिटी है। वहीं अगर बात करें स्मॉल फायर आर्म्स की तो इंडियन आर्मी में कई अलग अलग वैरायटी के स्मॉल फायर आर्म्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि कुछ अलग अलग स्पेशल केसेस के लिए हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल की बात करें तो वो अभी भी होममेड इंसास ही है, जिसे जल्द ही AK-203 से रिप्लेस किया जाएगा। बाकी जो फॉरवर्ड एरियाज पर तैनात ट्रूप्स हैं उनको खास 6 और के असॉल्ट राइफल्स दी गई हैं। इसके अलावा AK-47, टेवॉर, तो इस तरह की राइफल्स भी हमारी फोर्सेज स्पेशल कंडीशंस में इस्तेमाल करती हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो अधिकतर फोर्सेज हैं वो अभी भी पुराने जमाने की HK-G3 इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि एक समय पर एक प्रूवन वेपन था, लेकिन वो आज के समय में ज़्यादा सूटेबल नहीं है। बाकी पाकिस्तान की आर्मी चाइनीज मेड AK-47 के क्लोन्स भी इस्तेमाल करती है, जिन्हें नाम दिया गया टाइप 56। और पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्स SSG, तो वो भी पुराने जमाने की SIG SG-550 का इस्तेमाल कर रही है। बाकी कुछ लिमिटेड नंबर्स में पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस M4 कार्बाइन और स्टेयर हॉक का इस्तेमाल भी करती है। और अगर आप ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे तो इंडियन आर्मी के पास ज़्यादा क्वालिटी में अलग अलग वैरायटी के स्मॉल फायर आर्म्स हैं, हालांकि जो एक बड़ी संख्या में इंसास अभी भी इस्तेमाल हो रही है तो उसे जल्द से जल्द रिप्लेस या फिर अपग्रेड करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बात करें आर्टिलरीज की तो पाकिस्तान अधिकतर चाइनीज आर्टिलरी सिस्टम्स का ही इस्तेमाल करती है, जिसमें चाइनीज A-100 300 mm के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, BMP-21 ग्रेड्स, 155 mm के M109, M110 और 155 mm के टर्किश पेंटर्स के मॉडर्न टच के साथ टाइप 59, 86 और 54। तो ये कुछ प्रमुख आर्टिलरीज पाकिस्तान की सर्विस में मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें भारत की तो भले ही क्वांटिटी में भारत पाकिस्तान से पीछे हो जाए, लेकिन जब बात आएगी क्वालिटी की तो उसका कोई मैच नहीं है, क्योंकि भारत के पास है होममेड पिनाक मल्टी बैलर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स, K-9 वज्रटी, बोफोर्स जिसने कारगिल युद्ध में भी अपने आप को साबित किया था, M777 और स्वेडिस FS-77। और अगर दोनों देशों के आर्टिलरीज की रियल फाइटिंग कैपेबिलिटीज को आप देखेंगे तो इंडियन आर्मी के पास ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस और मॉडर्न वॉरफेयर के एंगेजमेंट और ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, और भारत के ग्राउंड पर्सनल और वेपन सिस्टम परफेक्शन, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और ट्रेनिंग, तो इन सबका एक परफेक्ट मिक्सचर है जो कि अपनी एडवर्सरी को ओवरपावर करने में सक्षम है। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भारत के पास क्लियर एक विजुअल एडवांटेज है। अगर बात करें मिसाइल सिस्टम्स की तो भारत के पास Agni-5 जैसे न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर ब्रह्मोस जैसी एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हालांकि पाकिस्तान के पास भी मिसाइल्स की कई सारी वैरायटीज हैं, और जिसमें पाकिस्तान के शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर उनकी बाबर 3 सबमरीन लॉन्च एंटी शिप और एंटी सर्फेस गाइडेड मिसाइल्स तक आती हैं।
लेकिन भारत के पास जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल है वो है अग्नि 5, जिसकी रेंज ऑफिशियली बताई तो 5000 किलोमीटर गई है, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये अग्नि 5 की रियल रेंज नहीं है, बल्कि अग्नि 5 की एक्चुअल रेंज करीब 8000 किलोमीटर तक है। तो पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल है शाहीन 3, जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। और चूंकि पाकिस्तान के अधिकतर मिसाइल सिस्टम्स चाइनीज हैं और जबकि भारत के अधिकतर स्वदेशी हैं, तो मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना में कौन बेस्ट है तो वो तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। बाकी जहां भारत के पास कुछ ऐसी मिसाइल्स भी हैं जो कि पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती हैं, वहीं पाकिस्तान के पास भी कुछ ऐसी मिसाइल्स हैं जो भारत के प्रमुख स्थानों को टारगेट कर सकें, लेकिन भारत के पास एक बड़ा एडवांटेज है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी BMD सिस्टम के रूप में, और पाकिस्तान के पास कोई भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि पाकिस्तान हम पे हमला कर सकता है, लेकिन हम उस हमले को काउंटर करने की ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर हैं, जबकि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान के पास उसको काउंटर करने के लिए ऐसा कोई भी रिलायबल एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स लिए हैं, तो इसका अंदाजा तभी हो गया था जब भारत से एक बार मिसाइल गलती से लॉन्च होकर पाकिस्तान में चली गई थी और पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम उसे डिटेक्ट तक नहीं कर पाए थे। बाकी मिसाइल पावर में भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इस तरह की कैपेबिलिटी वाली कोई भी मिसाइल नहीं है। बाकी अगर बात करें न्यूक्लियर पावर की, तो दोनों ही देश एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट हैं, और सिप्री के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान के पास है करीब 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जबकि भारत के पास है 164 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। लेकिन अगर बात आएगी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिलीवर करने की, तो भारत हवा, पानी, जमीन किसी भी जगह से इन वॉरहेड्स को डिलीवर करने में सक्षम है। और कुछ आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारत के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो उनकी एक्यूरेसी पाकिस्तान के वेपन्स की तुलना में ज़्यादा है। बाकी भारत नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को फॉलो करता है, यानी कि भारत कभी भी किसी दूसरे देश पर पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई दूसरा देश भारत पर न्यूक्लियर अटैक करेगा तो भारत के पास वो कैपेबिलिटीज़ भी है तो वो दोबारा से उस देश पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सके। अगर बात करें एयर पावर की, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स में मुख्य रूप से F-16, चाइनीज़ J-10C, JF-17, Mirage-3, Mirage-5 और F-7PG स्काई बोल्ट जैसे एयरक्राफ्ट आते हैं, जबकि भारत के पास है Su-30M की आई, डसॉल्ट रफाल, MiG-29UPG, Mirage-2000, LCA-Tejas, सेपेकेट जैगवार और कुछ थोड़ी बहुत संख्या में MiG-21 जो जल्दी रिटायर हो जाएंगे। और इनमें से भारत के अभी तक के सबसे एडवांस फाइटर्स है Su-30MKI और डसॉल्ट रफाल, जबकि पाकिस्तान के F-16 और J-10C। लेकिन जो J-10C है वो अभी न्यूली इंडक्टेड है और एक क्वालिटी वाइज कैसे हैं और कितने रिलायबल हैं तो वो अभी आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच ये है कि पाकिस्तान में जो सबसे अधिक संख्या में एयरक्राफ्ट हैं वो JF-17 है और फिर Mirage-5 है, जबकि भारत के पास सबसे अधिक संख्या में बेहद ही एडवांस Su-30MKI और फिर सेपेकेट जैगवार और MiG-29UPG जैसे एयरक्राफ्ट हैं, जो कि क्वालिटी में पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से कई सारे मायनों में आ गए। बाकी पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है F-16, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, और पुराना होने के बावजूद भी ये अभी भी वैल्यू रखता है। हालांकि USA ने पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने के लिए ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास एडवांटेज है ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स का, जो कि भारत के पास फिलहाल अभी कम है। लेकिन पाकिस्तान के फ्लीट में जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं तो उनमें MI-24 और AH-1 कोबरा आते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने टर्की से भी T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए थे, लेकिन बहुत सारे अलग अलग कारणों के चलते अभी तक उस डील का कोई फ्यूचर नहीं दिखा है, तो इसलिए हम इसमें MI-24 और AH-1 कोबरा को ही देखेंगे। जबकि भारत की फ्लीट में जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वह हैं वर्ल्ड फेमस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, रुद्र हेलीकॉप्टर्स और सबसे अधिक ऊंचाई तक ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला अटैक हेलीकॉप्टर LCH-Prachand, और क्वालिटी वाइज ये पाकिस्तान के अटैक हेलीकॉप्टर्स की तुलना में कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। बाकी अगर बात करें नेवल पावर की, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत की जो नेवल पावर है वो पाकिस्तानी नेवी से कहीं ज़्यादा एडवांस है, और वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मामलों में आ गए। अगर बात करें पब्लिक ओपिनियन की, तो पाकिस्तानी मिलिट्री का जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान की आज़ादी के शुरुआती दिनों में जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी वो पाकिस्तान के एक नेशनल प्राइड का सिंबल हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तानी मिलिट्री के जो टॉप लेवल के जनरल्स हैं, जो टॉप ब्रास हैं, उनके करप्शन, उनके ईगो और उनके नापाक इरादों के चलते पाकिस्तानी मिलिट्री की जो रेपुटेशन है वो धीरे धीरे पूरी तरह से ख़राब होती गई। और जिस तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री हमेशा से ही पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करती रही है, तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान की मिलिट्री की जो रेपुटेशन है वो पाकिस्तान के अंदर ही अच्छी नहीं है। और ये हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री ही बैकडोर से पूरे स्टेट को कंट्रोल करती है और डीप स्टेट के हिस्से में बनी रहती है। और पाकिस्तान में पाकिस्तान की जनता तो गरीब होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री की जो टॉप ब्रास है वो और अमीर होते जा रहे हैं। और पाकिस्तानी मिलिट्री में करप्शन किस लेवल तक का है वो समय समय पर हर किसी के सामने आते रहता है कि किस तरह से पाकिस्तानी मिलिट्री के जो जनरल्स हैं उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन पर कोई केस नहीं होता है।
और उसका सीधा सा रीज़न यही है कि वहाँ पे जो हुकूमत चलती है वो पाकिस्तान की मिलिट्री की चलती है। और जिस तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों को स्पॉन्सर करती रहती है, जिसके चलते पाकिस्तान को आतंकियों के लिए एक सेफ हैवन भी कहा जाता है, तो ये भी एक बड़ा कारण है पाकिस्तान की मिलिट्री की रेपुटेशन खराब होने का। और मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म को फाइनेंस करना, तो इन्हीं सब कारणों के चलते पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में भी रह चुका है। और पाकिस्तान की मिलिट्री के चलते ही पाकिस्तान में आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने अपने 5 साल के कार्यकाल को कभी पूरा किया हो। और इसलिए पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए कहावत है कि जंग वे कभी जीते नहीं और इलेक्शंस वे कभी हारे नहीं। और वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत में इंडियन आर्म फोर्सेज की रेपुटेशन किस लेवल की है वो तो शायद हमें आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि भारत में इंडियन आर्म फोर्सेज केवल एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि वो हमारा एक प्राइड है, हमारा एक ऐसा इमोशन है, और जिनके लिए हम पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि जब तक इंडियन आर्म फोर्सेज इस देश की सुरक्षा में खड़ी हैं, इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और इंडियन आर्म फोर्सेज ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए जानी जाती है, और जिसकी वीरता और पराक्रम के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक तो पक्का कर दें। बाकी इसके अलावा आज के इस मॉडर्न वॉरफेयर में कई और भी डोमेन्स जुड़ चुके हैं, जैसे कि साइबर वॉरफेयर, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर। तो इन नए डोमेन्स में इन दोनों देशों के पास किस किस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे किसी और डेडिकेटेड वीडियो में, क्योंकि ये वाली वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आपको इस बारे में भी सूचित करना चाहेंगे कि अगर आप डिफेंस से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव और इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट को देखना चाहते हैं तो डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और डिफेंस स्क्वाड सुपर ऐप की खास बात यह है कि इसमें उपलब्ध एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट को आप मात्र 1.5 रुपये प्रतिदिन से कम की कॉस्ट पर एक्सेस कर सकते हैं। तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस रिलेटेड और भी कमाल के कंटेंट। और इसी नोट के साथ इस एपिसोड की हम समाप्ति करते हैं। बाकी उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।